हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा हाफ एडर। अब व्हाट इज हाफ एडर, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की हम बात कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने देख लिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड अवर सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाफ एडर। व्हाट इज हाफ एडर, आप इसे किस तरह से यूज करते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में, ये सारा आज हम डिस्कस कर लेंगे। देखो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में भी जाना है हमने, बिकॉज हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेटर कंटेंट भी चाहिए। देखो, अ हाफ एडर इज अ लॉजिक डिजिटल सर्किट डिजाइन दैट परफॉर्म बाइनरी एडिशन ऑफ अ टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स। ये आपकी क्या परफॉर्म करता है, ये आपकी बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करेगा। ये यहाँ पे आपके कितने, सिर्फ दो ही इनपुट्स लेगा। कितने इनपुट लेगा, सिर्फ दो इनपुट लेगा, ठीक है। इट हैज टू इनपुट्स, ये आपकी टू इनपुट्स लेगा ए एंड बी, एंड टू आउटपुट्स, ये आपको जनरेट भी दो आउटपुट करेगा। द फर्स्ट वन इज सम एंड द अदर वन इज कैरी, ठीक है। द हाफ एडर कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग बेसिक गेट्स सच एज एक्सोर एंड एंड गेट्स। जो आपका हाफ एडर है, जब आप इसे इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट इन द सेंस जब आप गेट्स की हेल्प से इसका एक डिजाइन करेंगे, इसका लॉजिक सर्किट, तो वो हम हेल्प किसकी हेल्प से करेंगे, हमारे बेसिक गेट्स एक्सोर और एंड की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे इसके इंप्लीमेंट करेंगे हाफ एडर को। देखो ये हमारा थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिकल फॉर्म है। यहाँ पे देखो ए एंड बी, ये जो है आपकी टू इनपुट्स है, ठीक है, एंड दिस इज योर हाफ एडर, और ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सम एंड कैरी, टू आउटपुट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, इसके लिए जो हमारा ट्रुथ टेबल रहेगा वो देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, टू नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। टू टू द पावर टू करेंगे तो हमें मिलेगा फोर, इट मीन्स हमें यहाँ पे कितने, चार केसेस चाहिए। तो चार केसेस चाहिए, हमें पता है ए बी हमने टू केसेस लिए, 00, 11, 01, 01, इस तरह से हम हमारे केसेस को बना लेते हैं। अब अगर आपको पता हो, जिस तरह से यहाँ पे हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, जिस तरह से हम बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने एडिशन को परफॉर्म किया था, ऐड किस तरह से करते हैं हम हमारे बाइनरी नंबर को, वही हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, जिस तरह से आप सिंपल एडिशन करते हैं बाइनरी नंबर्स की, उसी तरह से करना है। देखो 0+0 सम आपके पास क्या आएगा, 0। अब जब आपके पास सम क्या आया, 0 आया, इसने कुछ भी कैरी जनरेट नहीं किया तो कैरी भी क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट इज 0+1, हमारे पास सम क्या आता है, 1, और कैरी जनरेट हुआ 0। नेक्स्ट 1+0 इज 1 और कैरी जनरेट हुआ 0, अगेन 1+1। ये यहाँ पे बस एक थोड़ा सा चेंज है, फ्लिप है, यहाँ पे एक्सेप्शन केस है हमारे पास। जब आप 1+1 करते हैं, बाइनरी नंबर्स की बात हो रही है, देखो बाइनरी नंबर्स में रिजल्ट सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में आएगा, आप 1+1 2 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1+1 हमें मिलेगा 0, बट ये कैरी को जनरेट कर देगा। दिस इज योर एक्सेप्शनल केस जो आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, अब इसके लिए लॉजिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अगर आपका सम है, इसके लिए देखो आपका एक्सप्रेशन क्या बनता है। देखो एक्सप्रेशन हम कैसे बनाते हैं, वन के कोरस्पॉन्डिंग चेक करो आपकी क्या वैल्यू है। वन मीन्स यहाँ पे आपका जो सम है वो हाई था, ठीक है, ट्रू थी, जहां जहां उसकी वैल्यू ट्रू है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी इनपुट है वो आपकी क्या होती है बेटा, सिंपली वही हमारी क्या होगी, एक्सप्रेशन होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो ए कॉम्प्लीमेंट और हमारे पास क्या है, बी एज इट इज, तो हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी एज इट इज। ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, फर्स्टली हमारे सम के लिए लिख रहे हैं, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब देखो सेकंड वन आपका कहां पे है, सेकंड टाइम जो है आपकी सम पे हाई वोल्टेज यहां पे थी, है ना, वन, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग चेक करो क्या है, ए एज इट इज, वन है ना बिकॉज ए के साथ, तो ए एज इट इज, और जहां जीरो है इट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आपको याद हो, हमने एक चीज डिस्कस की थी, अगर आपके पास इस तरह से स्टेट आती है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपकी क्या होती है, एक्सोर स्टेट होती है ना, जिसे हम इस तरह से भी लिख देते हैं, ए बीच में प्लस साइन एंड इसको आप इस तरह से सर्कल कर देंगे, और यहाँ पे बी, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर सम हमने क्या किया, ए एक्सोर बी आपकी इक्वेशन बन रही है। फॉर कैरी, कैरी के लिए देखो, कैरी के लिए क्या, हर बार 0, 0, 0, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 1, इट मीन्स आपको सिर्फ यहीं पे वन आ रहा है ना, जब ए बी है। अब ए बी आ रहा है आपका रिजल्ट, ए बी, और ए बी क्या होती है, आपकी एंड स्टेट होती है, हमें पता है, तो आपने क्या लिखा, ए एंड बी लिख दिया, बिकॉज ए बी कब होता है, जब आपकी एंड, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल फॉलो होता है, एंड टेबल है,
एंड गेट का हमने यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर सम। देखो लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पे हमारा, अगर फर्स्टली हम बात करते हैं ए एक्सोर बी के लिए, देखो यहाँ पे हमने के मैप डिजाइन किया। फर्स्टली ये आपका ए है, ये बी है, 0101 जो आपका ट्रूथ टेबल था उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, 1 को प्लेस कर दिया। हमारा एक्सोर का केस था, देखो सम के लिए हमारे पास इस तरह से स्टेटमेंट बन रही थी, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए, ये आपकी क्वेश्चन बन रही थी। तो हमने यहाँ पे वही किया, देखो बी का कॉम्प्लीमेंट ए एज इट इज यहाँ पे 1 रख दिया हमने, यहाँ पे बी एज इट इज एंड ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 रख दिया हमने, ठीक है। सेम आपने के मैप बनाया फॉर कैरी के लिए, कैरी में आपकी क्या इक्वेशन बन रही थी, ए बी, सिर्फ ए बी बन रही थी, ठीक है, डायरेक्ट। इट मीन्स ए की वैल्यू भी 1 और बी की वैल्यू भी 1, देखो 1 ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सिर्फ किसके कोरस्पॉन्डिंग आ रही है, इस वाली स्टेट के, तो हमने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, 1। तो ये बन गया हमारा के मैप हाफ एडर के लिए। अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमारा लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है, बहुत ही ज्यादा, इट मींस हमने क्या करनी है, अब लास्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन। देखो हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, हमारे गेट्स। तो लास्ट में हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ गेट्स हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या करते हैं, ए और बी टू इनपुट्स देते हैं हमारे सर्किट को। अब हमें पता है कि जो हमारा सम के लिए था वो हमारा क्या बन रहा था, एक्सोर का वो फॉलो कर रहा था, ए एक्सोर बी। तो मैंने क्या किया, ए बी टू इनपुट्स दिए और मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये क्या लगा दिया, मेरा एक्सोर वाला गेट लगा दिया डायरेक्टली, ठीक है। अब मैंने एक्सोर वाला गेट लगाया और जो यहाँ से मुझे आउटपुट मिली है वो मुझे क्या मिली है, सम मिली है, सिंपल। सेम ए और बी इनपुट को मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ और यहाँ पे मैंने कौन सा गेट लगा दिया बच्चा, एंड गेट लगाया। एंड गेट इसलिए बिकॉज जो मेरी एंड सॉरी कैरी की इक्वेशन थी वो क्या थी, ए बी, एंड गेट वाले रूल को ये फॉलो कर रही थी, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे एंड गेट लगाया और जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो आएगा हमारा कैरी। तो ये हो गई इसकी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हमने कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है, सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, हमने यहाँ पे जो हमारा ये थे गेट्स हमने लगाए हैं, सिंपल, जो हमारी इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग। इक्वेशन कैसे जनरेट हुई, विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, जहां जहां 1 था आउटपुट में उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी इनपुट वेरिएबल्स थे, वैल्यूज थी, वो हमने रखी, उनके कोरस्पॉन्डिंग हमने इक्वेशन जनरेट की, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन हमने डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन कर दी। तो ये हो गई आपकी हाफ एडर की इम्प्लीमेंटेशन प्लस ट्रुथ टेबल प्लस उसका हमने के मैप भी देख लिया। इसमें अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस, थैंक यू।